आगामी 5 दिवस सुधी गुजरात में वातावरण सूकु रहेशे तेवी आगाही हवामान विभाग द्वारा कराई छे। सौराष्ट्र अने कच्छना केटलाक विस्तारों में छूटो छवायो वरसाद पड़े तेवी आगाही छे। तो अमरेली, भावनगर, सूरत, नवसारी, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात में सामान्य वरसाद की आगाही छे। गर्मी वधी रही छे त्यारे हीटवेव ने ध्याने राखीने अमदावादनी सिविल होस्पिटल में विशेष तैयारी कराई छे। असारवा सिविल होस्पिटल में इमरजेंसी वोर्ड में दर्दियों माटे तमाम व्यवस्था करवामां आवी छे। हीटवेव दरमियान केवा प्रकारनी तकेदारी राखवी ते अंगे पण स्टाफ ने सूचना अपाई छे। नवसारी वांसदाना राणी फळियामां धारासभ्य अनंत पटेले मोड़ी सांजे बैठक करी वांसदा तालुकामांथी पसार थता नेशनल हाईवे नंबर 56 ने जमीन संपादन माटे ग्रामजनों साथे बैठक करी हती। आ बैठक में जमीन संपादन न थवा माटे जणाव्यु। अगाउ पण धारासभ्य अनंत पटेले हाईवे ने लईने विरोध कर्यो हतो ने हवे फरी नेशनल हाईवे 56 माटे जमीन संपादननुं काम शुरू थता धारासभ्य बैठको करी जमीन संपादननो विरोध कर्यो छे। अमदावाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में जॉइंट बोर्ड ऑफ वाइस चांसेलर की बैठक मिली थी जमा नवी एज्युकेशन पॉलिसी अंतर्गत एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और अध्यापकों ने ट्रिपल सी की परीक्षा में मुक्ति आप अंगे निर्णय करायो। राज्य की यूनिवर्सिटीओ नवी एज्युकेशन पॉलिसी आगामी सत्र थी लागू करवा जा रही है त्यारे विद्यार्थियों ने एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नो लाभ केव रीते आपवो ते अंगे चर्चा कराई। एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एटले विद्यार्थी राज्य की जेते यूनिवर्सिटी में अन्य यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले त्यारे तेणे करेला अभ्यास की क्रेडिट अपाशे। अमदावाद महानगरपालिका आगामी दिवसों में रोड पर तमाम दबाण दूर करशे। टाउन प्लानिंग कमिटी की मिली बैठक में मुद्दे चर्चा थी। खास करीने छेल्ला केटलाय दिवसथी कोर्पोरेशन रोड पर उभा राखवामां आवता वाहनों ने सील मारवानी कार्यवाही करे छे तेने लईने केटलाक सभ्यों में नाराजगी छे। केटलाक गेरेजवाळाओ जूनी कारने लेवेज करनारा दुकानदारों सहित लोको वाहनों बहार पार्क करे छे अने रस्ता साकड़ा थाय छे तेमनी सामे पण कार्यवाहीनी मांग कराई। शहेरना रोड पर लारी गल्लाना कारणे रस्ताओ साकड़ा बन्या छे जे आगामी समय में दूर कराशे। अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशने 15% एडवांस टैक्स रिबेट की योजना जाहिर करी। 18 एप्रिल 2023 थी 17 मे सुधी 12% रिबेट और ऑनलाइन पेमेंट करे तो वधु 1% और 3 वर्ष रेग्युलर एडवांस टैक्स भरे तो वधु 2% एम कुल 15% एडवांस टैक्स रिबेट योजना लागू करी छे। मिलकतवेरो समयसर भराता नागरिकों ने प्रोत्साहन आपवा तेमज ऑनलाइन माध्यम थी एडवांस टैक्स भरनार टैक्सधारकों ने वधु राहत आपवानो हेतु छे। सायला में टेकाना भावे चना की खरीदी में 3730 बोरी रिजेक्ट थी। चना में भेज लीलीछाट सहित कारणोंसर सायला मूड़ी और वढ़वाण तालुका खेडूतों माल की फरी चकासणी थशे। सुरेन्द्रनगर जिला एपीएमसी में हाल टेकाना भावे चना की खरीदी की कामगिरी चाले छे। 1067 रूपियाना भावे खरीदी चालू छे। एनसीएमसी संस्था ने खरीदी करवामां आवता माल की चकासणी करवानी कामगिरी सौंपवामां आवी छे। चणाना सैम्पल लई योग्य माल न जणाता सायला में 1034 बोरी, मूड़ी में 522 बोरी, वढ़वाण में 2174 बोरी जे रिजेक्ट थई छे। राज्य अने देशभर में कोरोना केस में धरखम वधारो नोंधाई रह्यो छे। अमदावाद शहर अने अमदावाद जिला में वेक्सिनो जत्थो खूटी पड्यो होवानी सूत्रों तरफ की माहिती मिली छे। वेक्सिन माटे राज्य सरकार पासे मांगणी कराई छे छतां कोईपण प्रकारनी व्यवस्था करवामां आवी नथी। पांच वर्ष थी अटकेली परीक्षा की वधु एक तारीख पड़ी। 30 एप्रिले योजनारी तलाटी की परीक्षा हवे 7 महीना रोज लेवाशे। परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था न थता परीक्षा एक अठवाडियु पाछी ठेलाई छे। कैबिनेट की बैठक बाद राज्य सरकार ना प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेले आ अंगे जानकारी आपी। तलाटी की परीक्षा ने लईने महत्वना समाचार सामे आव्या। कैबिनेट बैठक में आ मुद्दों चर्चायो ने त्यार पछी 30 एप्रिले योजनारी तलाटी की परीक्षा 7 महीना रोज योजाशे। आंगे पंचायत सेवा पसंदगी मंडलना चेरमेन हसमुख पटेले महत्वनी जाहेरात करी हती। कहूं हतुं के परीक्षा आपनार उम्मेदवारोए परीक्षा पहला कन्फर्मेशन आपवानुं रहेशे। ओजस्वी वेबसाइट पर कन्फर्मेशन आपनार उम्मेदवार ज तलाटी की परीक्षा आपी शकशे।
राजकोट गुंदावाड़ी में 7 एप्रिले मोबाइल ने दुकान में लागेली आग ना केस में मोटो घटस्फोट थयो। धंधाकीय हरीफाई में देशी बॉम्ब बनावीने ब्लास्ट करायो होवानो खुलासो थयो। पार्सल मुकी देनार महिला ने पुलिस अटकायत करी तेने पूछपरछ में घटस्फोट थयो। पुलिस महिला सहित त्रण की अटकायत करी छे। यूट्यूब ना माध्यम थी टाइमर बॉम्ब तैयार करायो हतो। वडोदरा मकरपुरा जीआईडीसी में सुमित पैकेजिंग नामनी कंपनी में भीषण आग फाटी निकली थी। फायर विभाग 4 फायर फाइटरे आग पर काबू मेळवानी कामगीरी हाथ धरी थी। पुठानी फेक्टरी में आग लागता विकराळ आगे स्वरूप धारण कर्यु हतु। फायर अधिकारीए आग ने काबू मेळवा माटे भारी जहमत उठावी पड़ी। सूरत में गोल्ड लोन नामे अनेक लोगों साथे छेतरपिंडी करनार मुख्य आरोपी राकेश भीमाणी की धरपकड़ थई छे। वराछा में आईबीबी फाइनांस कंपनी द्वारा 85 लोगों साथे गोल्ड पर लोन आपी करोड़ों की छेतरपिंडी थी। सुरतिको सेले आ मामले तुषार भीमाणी, राकेश भीमाणी, धीरू भीमाणी, प्रकाश करेड और ब्रांच मैनेजर प्रदीप भीमाणी सामे गुनो नोंधायो। सूरतना वराछा विस्तार में आरबीएल एटीएम मशीन में चीरड़ा करी मात्र 12 कलाकनी 1.70 लाख की रकम उपाड़ी लेवानी घटना सामे आवी छे। बे शख्सों विरुद्ध वराछा पुलिस मथक में बैंक तरफ थी फरियाद नोंधाई। ठग टोड़की आरबीएल बैंक ना एटीएम मशीन ने निशान बनाव्यू। बे शख्सों एटीएम में 12 कलाक में 34 ट्रांजेक्शन कर 1.70 लाख रूपया उपाड़ी लीधा। पुलिस सीसीटीवी फूटेज आधार बंने शख्सों ने शोधखोड़ हाथ धरी। सूरत क्राइम ब्रांच पर तपास में जोड़ाई। पंचमहाल शहरानी नगरपालिका की टीम अणियाद चौकड़ी नजीक ट्रांसपोर्ट वाहन में अंदाजित 300 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जत्थो झड़पी पड़ो। नगरपालिका सेनेटरी इंस्पेक्टर जितेन्द्र सिंह राठौर ने मिली बातमी आधार अणियाद विस्तार में बाईपास रूट पर तपास करता सर्विस ट्रांसपोर्ट टेम्पो सींगल यूज प्लास्टिक जत्था ने झड़पी पड़ो। जेमा 3 बेग प्लास्टिक की चमची, 3 कार्टून प्लास्टिक ग्लास, थर्मोकोल डिस्सा 3 कार्टून और अंदाजित 300 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जत्थो मिलिया। मध्यप्रदेश तो चोरी नो आरोपी सूरत खाते भागवानो प्रयास करता मौत ने भेट्यो छे। नरेन्द्र लोढ़ी नामनो आरोपी जे मध्यप्रदेश पुलिस सूरत की होटल में रोकाई थी ज्या आरोपी बाथरूम वेंटिलेशन ना मार्गे भागवानो प्रयास करता बीजा माड़े थी पटकायो जेने सारवार माटे सिविल होस्पिटल लई जवामां आव्यो ज्या सारवार दरमियान तेनु मृत्यु थयो। सूरतना सचिन जीआईडीसी विस्तार में पुलिस नाइट पेट्रोलिंग की कामगिरी पर सवाल उठाया है। कारण कि एक रात में मोबाइल स्नेचिंग की 3 घटना सामे आवी। 3 पैकी 1 घटना में मोबाइल स्नेचिंग करवा जता युवके प्रतिकार कर्यो अने स्नेचरोए उपरा उपरी छरी घा चीकता मृत्यु थयो। तो पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग सामे सवाल उठाया है। 19 वर्षीय सनी चौहान नामना युवक ने गत मोड़ी रात्र 3 अजाण्या मोबाइल स्नेचरो द्वारा हत्या कर दी। छोटाउदेपुर नसवाड़ी में एक विचित्र घटना बनी। एसीबी हाथे लांच लेता झड़पायेला पंचायत डेप्यूटी इंजीनियर फरार थी गया। 2 लाख की लांच मांगवा आरोप में डेप्यूटी इंजीनियर पकड़ाया बाद नलवाड़ी सर्किट हाउस लई जवाया था ज्यांथी लांचिया अधिकारी एसीबी अधिकारी ने हाथताड़ी आपीने गायब थी गयो। लांचिया अधिकारी कोई कॉन्ट्राक्टर के अन्य व्यक्ति साथ कार में फरार थी गया होवानी शंका छे। મહેસાણાના બહુચરાજી મંદિર પાસે બેફામ દોડતા ટ્રેલરે રાહદારીને અડફેટે લીધો જેમાં રાહદારીનું ઘટનાસ્થળે મૃત્યુ થયું। યુવાન બહુચરાજી પાસે ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરતો જેનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું છે। બહુચરાજી મંદિર પાસે મોટા ટ્રેલરો માટે ઝડપી બાયપાસ શરૂ થાય તેવી માંગ ઉઠી છે। નિઝર તાલુકાના રૂમકી તળાવ ગામની સીમમાં 2 બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો। આ અકસ્માતમાં 2 બાઇક ચાલકના મૃત્યુ થયા। एक व्यक्ति ने गंभीर इजा पहुंचता 108 मार्फते सारवार हेठळ खसेड़वामां आव्यो। निजर पुलिसे गुनो नोंधी वधु तपास हाथ धरी। सूरतना सचिन विस्तार में रेलवे ट्रेक पर वीडियो बनावा जता ट्रेन की अड़फेटे युवक नो मृत्यु थयो। युवक अने तेनो भाई 2 दिवस पहला ज रोजगारी मेळवा माटे नेपाळना चितवनथी सूरत आव्या हता अने रेलवे ट्रेक पर वीडियो बनावा जता युवानो मृत्यु थयो। नवसारी शहर में आवेली खानगी होस्पिटल वोर्ड बॉय अगम्य कारणोंसर जीवन टूंकाव्यू। होस्पिटल पाछळना भागे आवेला क्वार्टर्स में रहता 35 वर्ष वोर्ड बॉय बीजा माड़ेथी झंपलाव्यू हतुं अने तेनुं मृत्यु थयुं। वोर्ड बॉय ने आघातनुं कारण उत्पन्न छे। नवसारी सिविल होस्पिटल में पोस्टमोर्टम बाद मृतदेह परिवार ने सौंपायो।
अमदावादनी मेट्रो कोर्टमां ठग किरण पटेलनी पत्नी मालिनी पटेलनी जामीन अरजी उपर सुनावणी हाथ धराई। बचाव पक्षना वकील अने सरकारी वकीलनी दलील सांभळ्या बाद कोर्टे चुकादो अनामत राख्यो छे। आखा मामलामां मालिनीए कोनी पासेथी पैसा लीधा तेने लईने हजु समग्र घटना सामे आवी नथी। संपूर्ण घटनामां तेमना द्वारा भागी जवानो पर प्रयत्न थयो नथी। क्राइम ब्रांच द्वारा मालिनी पटेलने फसावामां आवी रह्या छे तेवी बचाव पक्षना वकीले दलील करी। रामनवमीना दिवसे पत्थरमारानी घटनामां एसआरपी कर्मचारीनी राइफल लूटावानी घटनाना पोलीसे रिकन्स्ट्रक्शन कराव्यु हतु। बंदोबस्तमां तैनात एसआरपी कर्मीनी टोळीमां सामेल थईने त्रण युवकोए तमाचो मारी राइफल लूटवानी कोशिश करी हती। अब्दुल रशीद अब्दुल सत्तार शेखनी वारसिया पोलीसे धरपकड करी रिकन्स्ट्रक्शन कराव्यु। सूरतमां गोल्ड लोनना नामे अनेक लोको साथे छेतरपिंडी करनार मुख्य आरोपी राकेश भीमाणीनी धरपकड थई। वराछामां आईवीबी फाइनांस कंपनी द्वारा 85 થી વધુ લોકો સાથે ગોલ્ડ પર લોન આપીને કરોડોની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી। સુરતી કોસેલે આ મામલે તુષાર ભીમાણી, રાકેશ ભીમાણી, ધીરુ ભીમાણી, પ્રકાશ કરેડ અને બ્રાન્ચ મેનેજર પ્રદીપ ભીમાણી સામે ગુનો નોંધ્યો હતો। राजकोट क्राइम ब्रांचे मजूरो पासेथी लूट चलावती गेंगनो पर्दाफाश कर्यो। झड़पायेली गेंग मात्र 20 दिवसमां 22 जेटली लूटने अंजाम आपी चुकी छे। राजकोटमां एकल दुकल श्रमिकने आंतरीने छरी बतावीने रोकड़ मोबाइल लूटती गेंग ताजेतरमां सक्रिय थई छे। झड़पायेला शख्सोमां परप्रांतीय मजूरोने शिकार बनाववामां आवता अने मामूली रकमनी लूट चलावाती जेथी कोईने शंका न जाय। દેશમાં કોરોનાના વધુ 7830 કેસ નોંધાયા છે, જે છેલ્લા 223 દિવસના સૌથી વધુ દૈનિક કેસો છે। જ્યારે 16 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે, તો આ સાથે એક્ટિવ કેસો પણ વધી ગયા છે, તેનો આંક 40000 વટાવી ચૂક્યો છે। દેશમાં અત્યારે 40215 એક્ટિવ કેસ છે। દૈનિક પોઝિટિવિટી રેટ 3.65% છે। જમીનના બદલામાં નોકરીના કેસમાં બિહારના નાયબ મુખ્યપ્રધાન તેજસ્વી યાદવ હવે ગંભીર મુશ્કેલીમાં ફસાઈ ગયા છે। ઈડીએ સીબીઆઈની એફઆઈઆરને આધારે મની લોન્ડરિંગ કાયદા હેઠળ અલગથી કેસ દાખલ કર્યો, જેમાં તેજસ્વી યાદવને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે। તેમને મંગળવારે પૂછપરછ માટે દિલ્હી બોલાવવામાં આવ્યા હતા। ઈડીએ તેજસ્વીની લગભગ 9 કલાક સુધી પૂછપરછ હાથ ધરી હતી। નેશનલ સિક્યુરિટી એક્ટ એટલે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા એનએસએસના દુરૂપયોગનો મુદ્દો સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ આવ્યો હતો, જેને પગલે સુપ્રીમ કોર્ટે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું હતું અને ઉત્તર પ્રદેશ સરકારને સવાલ કર્યો હતો કે સમગ્ર મુદ્દો રેવન્યુ સાથે જોડાયેલો હોવા છતાં તમે એનએસએ લગાવી દીધો છે, શું આ એનએસએનો મુદ્દો છે, શું આ રીતે સિસ્ટમ ચાલશે? જો કે સુપ્રીમ કોર્ટે ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસનો પણ ઉધોળો લીધો, સમગ્ર મુદ્દે એનએસએ સાથે જોડાયેલો ન હોવા છતાં એનએસએ કેમ લગાવ્યો એવો સવાલ કરવામાં આવ્યો હતો। તેમજ વધુમાં કહ્યું કે આરોપીઓને ફસાવવામાં કોઈપણ પ્રકારની કસર બાકી રાખી નથી। બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશકુમારે બુધવારે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને દિલ્હીમાં તેમના નિવાસસ્થાને મળ્યા હતા। આ દરમિયાન પૂર્વ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી અને બિહારના ઉપમુખ્યમંત્રી તેજસ્વી યાદવ સહિત કોંગ્રેસ, આરજેડી અને જેડીયુના ઘણા મોટા નેતાઓ હાજર રહ્યા। બેઠક બાદ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે વિપક્ષી દળોને એક કરવા માટે આ ઐતિહાસિક બેઠક મળી, જેમાં વિપક્ષી પાર્ટીઓને એક મંચ પર લાવવા માટે સમજૂતી કરાઈ। લોકસભા ચૂંટણી પહેલા બધા સાથે મળીને સમાન વિચારધારા ધરાવતા પક્ષોને સાથે લાવશે। વર્ષ 2024 લોકસભા ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષી દળોને એકજૂટ કરવાના પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે। બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશકુમાર અને ઉપમુખ્યમંત્રી તેજસ્વી યાદવ બુધવારે સાંજે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે મુલાકાત કરી। આ પહેલા બુધવાર બપોરે નીતિશકુમાર કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, રાહુલ ગાંધી સહિત અન્ય પક્ષોના નેતાઓ દિલ્હીમાં મળ્યા। આ મુલાકાત દરમિયાન અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે દેશ મુશ્કેલીના સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે। વર્ષ 2024 લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષી દળોને એકજૂટ થવા માટે દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશકુમાર અને તેજસ્વી યાદવ સહિત અન્ય નેતાઓ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ। આ બેઠકમાં કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી પણ હાજર રહ્યા હતા। વર્ષ 2019માં કર્ણાટકના કોલારમાં મોદી અટક મુદ્દે આપેલા નિવેદન પર રાહુલ ગાંધી સામે દાખલ કરવામાં આવેલા માનહાનિના કેસમાં હાજર રહેવા માટે બુધવારે પટનાની કોર્ટે રાહુલ ગાંધીને સમન્સ પાઠવ્યું। કોર્ટે રાહુલ ગાંધીને 25 એપ્રિલના રોજ કોર્ટમાં હાજર થવાનો આદેશ કર્યો। ભાજપના સાંસદ સુશીલકુમાર મોદીએ રાહુલ ગાંધી સામે આ બદનક્ષીનો કેસ દાખલ કર્યો હતો। અગાઉ પટનાની મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે રાહુલ ગાંધીને 12 એપ્રિલના રોજ કોર્ટમાં હાજર રહેવા માટે સમન્સ પાઠવ્યું હતું।
कर्नाटक पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पाए बुधवार कहूं कि भाजपे पहली याद में 182 बैठक पर उम्मीदवार नाम की जाहरात की है। जैकी 52 बैठक पर नवा उम्मीदवार ने टिकट आप कहूं कि पार्टी केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा लेवा निर्णय थी खुश छू। येदियुरप्पाए कहूं कि भाजप ने 136 जेटली बैठक मिली और कर्नाटक में भाजप परिवार सत्ता में आ। कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी नजीक है। भाजप माटे मुश्किल हवे वधी गई है। भाजपा कदावर नेता जगदीश शेट्टारे पार्टी सामे बळवो पुकारवाना संकेत आपी दीधा है। भाजपे जाहिर करेली उम्मीदवारोनी यादी में जगदीश शेट्टारनुं नाम नथी, त्यारे जगदीश शेट्टारे पार्टी सामे नाराजगी व्यक्त करी। शेट्टारने हजु सुधी पार्टी टिकीट नथी आपी, त्यारे शेट्टारे पार्टी ने फरी एक वार विचार करवानुं कह्युं। कर्नाटक में टिकट न मळवाथी नाराज लक्ष्मण सावड़ीए भारतीय जनता पार्टी छोड़वानो निर्णय कर्यो छे। कर्नाटक विधानसभा चूंटणी लड़वा माटे टिकट नकारवामां आव्या बाद लक्ष्मण सावड़ीए कह्युं कि मैं भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक सभ्य पदेथी राजीनामुं आपवानो निर्णय कर्यो छे। लक्ष्मण सावड़ी अथाणी विधानसभा बैठक परथी 3 वखत धारासभ्य रही चुक्या छे। गत चूंटणीमां तेमणे कोंग्रेसना तत्कालीन उम्मीदवार महेश कुमथल्लीना हाथे हारनो सामनो करवो पड्यो हतो। कर्नाटक की लोकप्रिय दूध की ब्रांड नंदिनी सामे अमूल की तकरार मांडमांड शांत थी, त्यारे बीजो विवाद शुरू थयो। कर्नाटक में अमूल दूध पछी हवे गुजरात में मरचानो वारो आव्यो छे। अमूलना नामथी राजकारण गरमाया बाद गुजराती मरचानो मुद्दो सामे आव्यो। मरचानी गुजराती जात पुष्पा तरीके ओळखाय छे अने आ मरचू लालीना नामथी पण प्रचलित छे। सूत्रोना अनुसार ताजेतरना महिनाओमां एशियाना सौथी मोटा मरचा बजारमां ओछामां ओछू 20,000 क्विंटल गुजराती मरचानुं वेचाण थयुं छे। पीएम मोदीए राजस्थान ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भेट आपी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन ने लीली झंडी बताने प्रारंभ कराया। कार्यक्रम दरमियान पीएम मोदीए गहलोते कहूं कि आ दिवसों में तमे राजकीय उथलपाथल संकट में पसार थई रहा छो, तेम छतां विकासना आ कार्यक्रम में भाग लीधो ते माटे हूं तमारो आभार व्यक्त करूं छूं।